पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मेवाराम जी जैन अध्यक्ष राजस्थान गो सेवा आयोग एवं विधायक बाड़मेर पहुंच गए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। एक बार आपकी जोरदार तालियों से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। साथ में है आदरणीय दीपक जी माली सभापति नगर परिषद बाड़मेर। आपसे भी निवेदन, कृपया मंच पर पधारें। श्री जयपाल सिंह जी सरपंच विशाल आगोर, आपसे भी निवेदन, कृपया मंच पर पधारें। श्री हर्षाराम जी कुमावत सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत रोहिणी, आपसे भी निवेदन, कृपया मंच पर पधारें। श्री भवानी सिंह जी पंचायत समिति सदस्य, आपसे भी निवेदन, कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय हाथी सिंह जी ग्राम पंचायत विशाला, आपसे भी निवेदन, कृपया मंच पर पधारें। मदन जी उप सरपंच मंच पर पधारे, आप सभी आप सभी हमारे बीच में हमारे अतिथि पहुंच गए हैं। श्री बलराम जी प्रजापत पूर्व चेयरमैन नगर परिषद बाड़मेर, आपसे भी निवेदन, कृपया मंच पर पधारे। श्री दीनदयाल जी कुमावत अध्यक्ष कुमार सेवा संस्थान बाड़मेर, आप सभी निवेदन, कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करावे। आप सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। श्री रामलाल जी सियाख पीओ एवं प्रधानाचार्य स्थानीय विद्यालय, आपसे निवेदन, कृपया मंच पर पधारें। डॉक्टर सुरेश कुमार जी, आपसे भी निवेदन, कृपया मंच पर पधारें। श्री जुगत सिंह जी पंचायत समिति सदस्य शेरगढ़ हमारे बीच में पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत और आपसे निवेदन, मंच पर पधारे। आदरणीय सीआई साहब यहाँ विराजे हैं, आपसे भी निवेदन, कृपया मंच पर कृपया मंच पर पधारे और स्थान ग्रहण करवाए। आदरणीय सीआई साहब वैशन जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। अब आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर ले आ जाए। जो बीच में खाली जगह पड़ी है, सभी युवा साथियों से मैंने पहले ही निवेदन किया था, खड़ा रह करके कार्यक्रम देखने में कोई आनंद नहीं है। आपके लिए ये सारी जगह खाली पड़ी है और बीच में भी जगह खाली पड़ी है। जो भी सारी खाली जगह है उनको आप कवर कर सकते हैं, जहाँ आपको जगह मिलती है वहाँ बैठ जाए। सभी से निवेदन है कि स्थान पर बैठ जाए। जुमा खान जी जमशेद जी, आपसे निवेदन, कृपया मंच पर पधारे। पूर्व पंचायत समिति सदस्य पूर्व उप सरपंच जमशेद फकीर साहब मंच पर पधारे। हमारे अन्य अतिथि जन सीधे ही हमारे बीच में पधारने वाले हैं। श्री नरेंद्र कुमार जी जोशी चीफ इंजीनियर JVBNL बाड़मेर, श्री अजय कुमार जी माथुर SE इंजीनियर अधीक्षण अभियंता JVBNL बाड़मेर, वो भी हमारे अतिथि शीघ्र ही पधारेंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर जी गजराज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर, वो भी हमारे बीच में होंगे। आदरणीय विजय कुमार जी वर्मा अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बाड़मेर, वो भी हमारे सम्मानित अतिथियों की श्रेणी में है, शीघ्र ही वो हमारे बीच में होंगे। श्रीमती जेठी रेवी जी प्रधान पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण, वो भी हमारे अतिथियों की श्रेणी में है। और श्री महेंद्र कुमार जी चौधरी प्रमुख जिला परिषद बाड़मेर, वो भी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। ये सभी अभी तक हमें जिनका इंतजार है वो सम्मानित अतिथि शीघ्र ही हमारे बीच में पधारने ही वाले हैं।
अंतर सिंह समस्त अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन इस जरनाथ जी की पावन धरा पर और दादा इब्राहिम फकीर की इस पवित्र भूमि पर पधारे हुए मंचा सिंह समस्त अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं एक बार ग्राम पंचायत वाडका के इस परिसर में पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे। मैं आपका परिचय मंच से करवाते हुए सबसे पहले हमारे आज के इस कार्यक्रम का नाम ग्राम पंचायत वाडका में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह 2023 ग्राम पंचायत वाडका के इस परिसर में हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मेवाराम जैन अध्यक्ष राजस्थान गौ सेवा आयोग एवं विधायक बाड़मेर आपसे निवेदन हमारे आज के इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर हम सबको अनुग्रहित करावे आदरणीय मेवाराम जी जैन साहब बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे आदरणीय दीपक जी माली सभापति नगर परिषद बाड़मेर आपकी जोरदार तालियों के साथ में आदरणीय दीपक जी माली का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मंच पर विराजित हैं श्री श्री 1008 मैन श्री दौलतनाथ जी महाराज ठिकाना जरनाथ जी का ठिकाना मठ वाडका और श्री जनाब खान मोहम्मद जी फकीर साहब दरगाह इब्राहिम फकीर की दरगाह वाडका आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। साथ ही मंच पर विराजित हैं डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह जी RCHO शिशु एवं प्रजनन जिला स्वास्थ्य अधिकारी आपका बहुत बहुत अभिनंदन और साथ ही मंच पर विराजित हैं डॉक्टर संतोष जी महेश्वरी ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर ग्रामीण आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। साथ ही मंच पर है श्री पद्माराम जी सऊ पंचायत समिति सदस्य जमशेर खान जी उप सरपंच पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्री दीनदयाल जी कुमावत अध्यक्ष कुमावत सेवा संस्थान बाड़मेर श्री कुमार सिंह जी पूर्व पंचायत समिति सदस्य बाड़का गोठिया पीछे मंच पर विराजित है आदरणीय भवानी सिंह जी पंचायत समिति सदस्य विशाला श्री अरसाराम जी कुमावत सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत रोहिली पीछे मंच पर विराजित है श्री मदन जी चोपड़ा पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत बाड़का श्री नथाराम जी कुमावत पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बाड़का श्री हाथी सिंह जी सरपंच साहब ग्राम पंचायत विशाला श्री नलपत सिंह जी ग्राम पंचायत विशाला आगो श्री पवन कुमार जी सरपंच ग्राम पंचायत खारियातला और अन्य सभी सम्मानित अतिथिजन पीछे मंच पर श्री रामलाल जी सियाद पीओ एवं प्रधानाचार्य स्थानीय विद्यालय एवं श्री परमानंद जी सोनी उप सरपंच श्री जुगत सिंह जी शेरगढ़ से बधाए हमारे बीच में पंचायत समिति सदस्य और डॉक्टर सुरेश कुमार जी चौधरी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आप सभी से निवेदन लोकार्पण एवं शिलान्यास पट्टिकाओं का अनावरण स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम के बाद में होगा। पहले सीधे ही पधारे हुए सम्मानित अतिथियों का स्वागत हमारी अपनी परंपरा के अनुसार मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जी का साफे के द्वारा स्वागत और अभिनंदन करने के लिए। पहले श्री श्री 1008 श्री दौलतनाथ जी महाराज का शॉल उठाकर अभिनंदन और हम सब के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री रूपचंद जी जैन। रूपचंद जी जैन पधारे और श्री दौलतनाथ जी महाराज मठाधीश का शॉल उठाकर स्वागत और अभिनंदन करें और हम सब के लिए दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। रूपचंद जी जैन और निवेदन कर रहा हूँ श्री भूजी दर्जी गुलाराम जी दर्जी पधारे और जनाब खान मोहम्मद जी फकीर साहब का शाल उठाकर हम सब के लिए दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। खान मोहम्मद फकीर साहब का शाल उठा के आशीर्वाद प्राप्त करें। गुलाराम जी दर्जी मुख्य अतिथि महोदय का साफा पहन के स्वागत और अभिनंदन के लिए निवेदन कर रहा हूँ सरूपाराम जी भोपोणी। सरूपाराम जी भोपोणी आए और मेवाराम जी का साफा पहना के स्वागत और अभिनंदन करें। मेवाराम जी का साफे के द्वारा स्वागत के लिए सरूपाराम जी भोपोणी और माल्यार्पण के लिए श्री नैनाराम जी जाखड़ और भैराराम जी मालाणी दोनों आए और कालूराम जी सुथार तीनों कालू जी सुथार भैराराम जी मालाणी और नैनाराम जी जाखड़ तीनों ही आए और मेवाराम जी का पहले साफा
आप ही हैं साथ में, जचाराम जी नहीं, बाकी बाद में एक साथ समझिए, आप सभी स्वागत करेंगे मेवाराम जी का माल्यार्पण के द्वारा। लेकिन पहले जो भी मंचासीन अतिथि है उनका एक बार साफे के द्वारा स्वागत हो जाए माला के द्वारा, उसके बाद में आप सभी की तरफ से मेवाराम जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत होगा। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दीपक जी माली, मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री बाबूलाल जी जैन, बाबूलाल जी जैन तो